आज मैं आपने हैंगा आसान और झटपट बना जिकी साबुत बैंगन की सब्जी बनाऊनी बतौला जिकी बिना झंझट रहे बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार वाला। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। इन वास्ते मैं छोटी साइज रहा 11 बैंगन लिया हूँ जिका वजन रमायन लगभग 250 ग्राम बैंगन है। मार्केट रमायन इन तरह बैंगन भी मिलिया करे अड़ा कांटा वाला बैंगन भी मिलिया करे। तो आप कहना जिका भी बैंगन वे जिका आप ले लीजो। तो कांटा वाला बैंगन लेवा के तो साफ धोने नोपुर पाना कांटा निकाल लेना, कांटा नहीं रखना है। नोपुर डंटल भी थोड़ा सा निकाल लेना और ध्यान रख जाओ इन बैंगन न माता कोई तरह का कांटा वगैरह नहीं है। देखो और बैंगन स्मूथ ही है। अब इन बैंगन मैं साफ धो लिया हूँ, धोना ही ने अच्छी तरह पूछ लिया हूँ। अब इन्हें काटे यार पहले मैं एक बॉल रे मैंने पानी लिया हूँ। अब काट काटने इन्हें पानी रमाइन डाला ला तो सब पहले ऊपर ऊपर थोड़ा सा नुक्को काट देना। ज़्यादा बड़ा नुक्को रखने की जरूरत नहीं अपन इन तरह काट लेना न एक चीरो लगा देना। आर पार चीरो नहीं लगाना है न इन तरह अपन देख लेना कि मैं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है क्योंकि बैंगन ने मैंने ज़्यादातर कीड़ा वगैरह होया करे और देखना बहुत जरूरी है न। वापस अपने दूसरी साइड में भी इन तरह चीरो लगा देना। अटिनो भी अपन देख लेना अटिनो भी इनमान कीड़ा नहीं है। इन तरह सब बैंगन अपन चेक कर लेना। चेक कर यार पचा पान बैंगन ने पानी रमान रखना काटने इधर से पानी लेना सा जरूरी है। ज़्यादातर आप बैंगन की सब्जी बनावा जाए इन तरह काटने अपना मसाला भरने तैयार करा करा। पर आज मैं सब्जी बनाऊला इनमान अपना मसाला नहीं भराला पर बैंगन की सब्जी अपने बहुत ही झटपट बनने तैयार वेला और उन्हें बचे ज़्यादा स्वादिष्ट बनने तैयार वेला। इन तरह ओपा सब बैंगन ने काटने पानी रमाइन डाल दिया। अब इनमान अपना एक टी स्पून वजह नमक डाल दिए वहाँ। नमक डालने से कई वेला का बैंगन काला नहीं पड़ेगा अपने न बैंगन डमाए थोड़ा कड़ोपन वह तो वो भी निकल जाया करें। इन तरह अपन नमक ने मिक्स कर लिया होना। अब साइड रमाइन अपना एक पैन लिया हाँ पैन रमाइन सब पर अपना 2-3 टेबल स्पून वजह तेल डाल दे और गैस ने चालू कर दिया। जब तक तेल गर्म हो रहा है उतनी देर रमाइन साइड में आप एक टॉवल लिया हाँ आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सको उन माता बैंगन रखना पूछ ले होना इन कई वेला कि मात लो पानी है क्या साफ हो जावाला नहीं तेल रमाइन डाला ला तब छिटा उछलना शुरू हो जावाला तो पानी इन्हें पूछना जरूरी है। तो पानी साफ हो गया मतलब अब तेल गर्म हो गया है तो बैंगन ने अपना तेल रमाइन डाल दे। मैं तो आज सेलो फ्राई करने बना रही हूँ आप चाहो तो डीप फ्राई करने भी बना सको। बहुत बार कई होया करे बैंगन का छिलको कड़वो होया करे तो उन छिलके कड़वा से निकालने वास्ते अपने इन तरह पकावा के तो आधा छोटा चम्मच वही तो नमक डाल देना जिन्हों का ये ना छिलकर कड़वा से कम पड़ जावेला ना। नमक डालने से थोड़ा सा कही है नमकीन भी हो जावेला हल्का सा। ओ आपने याद रखना इन तरह में नमक डालिया हाँ तो बाद में मैंने अपना नमक थोड़ा कम डालना है। इन तरह अपना मिक्स कर लेना आँच ना थोड़ी धीरे कर लेना और ढक्कन लगाना पाई ना पका ले और ध्यान रखना अपना हर 2-3 मिनट ढक्कन खोलना है इन्हें चला लेना है जिन्हों का बैंगन है चारों तरफ अच्छा पकना तैयार है। जब तक साइड रमायन अपना बैंगन पक रहा है उतनी देर रमायन आप एक पेस्ट बनाने तैयार कर ला। तो इन वास्ते मैं आधा कप वेजिता धाना लिया हूँ। धाना ने मैं साफ धो लिया हूँ और डंटल भी निकाल लिया हूँ कच्चा डंटल वेजी का अपना रख लेना। इन साथ मैं 2 टेबल स्पून वेजिता नारियल का चूरा लिया हूँ। यदि आप रखना सूखा नारियल वे या फ्रेश नारियल वे तो उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सको। उन्हें सब नाप थोड़ा थोड़ा काटने डाल जो 2 टेबल स्पून वही तो मैं मुपड़िया ली हूँ। मुपड़िया ने कहे मैं सेकने न छिलका निकाल लिया है आप चाहो तो छिलके साथ भी डाल सको। अब 5-6 कड़ियाँ मैं लहसुन ली हुई हूँ ये भी मैं डाल दे वहाँ। आप लहसुन नहीं खाता वो तो आप मत डाल दो। 1 इंच में अदरक का टुकड़ा लिया हूँ जिन्हें बड़ो बड़ो इंच मैं काट लिया हूँ अभी मैं डाल दे वहाँ ने 2 में हरी मिर्चा ली हुई जिन्हें मैं 2-2 टुकड़ा रमायन कर ली हूँ ये भी मैं डाल दे। आप देख रहे हो ज़्यादातर जिका फ्लेवर है जिका मसाला रमायन यूज होया कर वे मैं एक मिक्सी में डाल दूँ जिन्हों आप रखे जल्दी बढ़ना तैयार हो जाएगा। अब इन पीसन वास्ते इन मैंने आप थोड़ा पानी डाल दें लगभग 1/4 कप है जी तो पानी डाल दें ढक्कन लगाने पर पीस ले। अब अपना अच्छा पेस्ट बन गया है इन्हें खोलना देख लें आप देख रहे हो इन तरह अपना पेस्ट बन जाना चाहिए। इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इन्हें सब्जी रमाने इन्हें स्वाद बहुत अच्छा वाला तो आप इन तरह वो सब्जी बनाना जरूर देख जो एक बार। जितनी देर मैंने अपना पेस्ट बनाना तैयार करिया उतनी देर मैंने अपना बैंगन भी देखो अच्छा पकना तैयार हो गया है। तो बैंगन अपना पूरा नहीं पकाना है देखो सॉफ्ट हो गया बैंगन सारा इन तरह सॉफ्ट हो जा 70-80% अपना बैंगन पक जाना चाहिए बाकी अपना मसाला रमाइन पकावाला बहुत ज़्यादा पकाओ तो गल जावाला। इन ऊपर हल्की सी देखो क्रिस्पी लेयर भी आएगी है। अब इन अपन निकाल ले गैस बंद कर ले एक दूसरे बर्तन में निकाल ले बाहर निकले पर आपकी गर्मी में थोड़ी देर पकता रहा करें अब देखो कितना तो अच्छा कलर आ गया इन मतन काफ़ी सॉफ्ट भी लाग रहा है। अब इन अपना साइड में रख दे। अब इन्हें इस तेल रमाइन अपना सब्जी बनाना तैयार कर ले तो गैस ने अपना चालू कर ले तेल अपना गर्म हो गया है तेल गर्म हो जाए पाचा इन मैंने अपना 1 छोटा चम्मच वैसे जीरो डाल दिए।
और मैं आपने इन टाइम बता दूं कि मैं इन माने पहले लहसुन डाल दियो पिसन मैं ना इस वास्ते मैं इन टाइम हींग नहीं डाल रही हूँ। आप लहसुन नहीं खाओ तो वन लहसुन नहीं डाले वो तो आप इन टाइम हींग डाल दीजिए। अब जीरा रपाना जो कलर चेंज हो गया जीरा पाना चटकन डूब गया है। अब इन मैंने अपना कांदा डाल दिया हूँ। तब एक मैं बड़ी साइज का प्याज लिया हूँ जिसको इन मैंने डाल दिया। आप छोटी साइज का प्याज ले तो दो प्याज ले लीजिए। प्याज ने पाँच ही तरह पका लिया। प्याज ने अपन मैं मैं काटने डालना करेगी। ये तो मैं ज़्यादातर सब्जी बनाया करो आपने बताया करूँ प्याज ने अपन ट्रांसल्यूशन वेजिटेबल पकावना है। इन सब्जी वास्ते अपन थोड़ा सा ज़्यादा पकावना है हल्को सा गोल्डन कलर आवे है तो पकान तैयार करना है। उन्हें स्वाद है सब्जी मैंने बहुत अच्छा आवेला है। तो आप प्याज देख रहे हैं मैं कितना छोटा छोटा काटना डाल लिया हूँ। प्याज अगर पकाओ जरा अपन कही है आँच थोड़ी स्लो और मीडियम के बीच में रखनी। स्लो मीडियम आँच रे मैंने कहीं मसाला अच्छा पकिया करे जिन्होंने स्वाद भी ज़्यादा अच्छा आवे। अब आप देख रहे हो प्याज अपना हल्का गोल्डन कलर हो गया है इतने ही जपान पकावना है। अब इन मैंने अपा मैं दो टमाटर लिया हूँ जिन्हें अपा मई काट लिया है ये भी मैं डाल दूँगा। टमाटर ने भी अपने मई काट नहीं डालना है। आप चाहो तो टमाटर ने भी दरदरा पीस ने भी डाल सको बट टमाटर अपना अच्छा पकने तैयार हो जाए इन वास्ते इन मैंने अपा थोड़ा नमक डालना ना दो छोटा चम्मच वही तो नमक लिया हूँ। और ध्यान रखना अपने पहले अपन नमक डाल चुका हूँ इस वास्ते अपन थोड़ा ही नमक डालना है। टमाटर और प्याज रही साबुज अपन नमक डालना है। इन टाइम नमक डालने से कई वाला टमाटर अपना अच्छा पक जाएगा और जल्दी पक जाएगा। मैं दो तीन मिनट रमाइन है अपना टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। देखो तेल भी इन मैंने छूट गया है मसाला जो जो पके के तेल छोड़ दिया करें। इन टाइप का आप सूखा मसाला डाल दूँ तो एक टी स्पून वजह मैं लाल मिर्ची ली हूँ वाई में डाल दूँ। आधा टी स्पून वजह हल्दी डाल दूँ। एक टी स्पून वजह धनिया पाउडर डाल दूँ। ये सब चीज़ें ने पक मिक्स कर लिया सूखा मसाला अपना अच्छी तरह पकने तैयार हो जाए इन वास्ते इन मैंने थोड़ा पानी डाल दूँ जिन्हों का ये मसाला अच्छा फूल जाया करें। पानी नहीं डालो तो मसाला फूलेगा नहीं। सब मसाला अपना मिक्स कर लिया हाँ। अब इन मैंने पर थोड़ा पानी डाल दिया लगभग दो तीन टेबल स्पून वही तो पानी डाल दिया। मसाला ना अच्छी तरह पका लिया। इन टाइम आपने ढक्कन वगैरह लगाने जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो मसाला काफ़ी फूल गया है। देखो पानी गालने इन तरह पका लगा मसाला काफ़ी फूल गया है न साइड रहा मैंने देखो इन तेल भी निकलना शुरू हो गया। मसाला अच्छा पक जाओ तेल छूटना शुरू हो जाएगा। अब जगह मसाला पर पीसना रखे आके धाना अदरक लहसुन मिर्ची सब आने डाल देगा। तो आप देख क्या अपन अलग वो मसाला ऐड करने जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा मसाला एक रे मैंने जब पीस लिया। अब इन मसाला ना अच्छी तरह पकौन वास्ते मिक्सी रे जार रहे मैंने थोड़ा पानी डाल दिया अपा इन तरह मिक्स कर अपा इन पानी दे पाइन मन डाल दिया। मसाला ही वेस्ट नहीं वाला ना पाना दूसरा मसाला भी अच्छी तरह पक जाएगा। सब ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इन मसाले ने अपन एक तेल छूटा जीता पकावना है। अब इन मसाले ने अपा चार पाँच मिनट तक पका लिया हाँ तो मसाले मैंने देखो सब तेल भी छूट गया है। मसाला का कलर चेंज हो गया। देखो मसाला अच्छा पक जाओ जी कलर चेंज हो जाए करे इन तरह अपना कलर चेंज हो जाओ मसाला अच्छा पक जाए उन्हें पचा इन मैंने अपना थोड़ा पानी डाल देना। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनावनी अपन है और थोड़ा लग लगो ही बनना तैयार हो जाए करे। भाई पानी गा लिया पचा उबाल आ गया है तेल भी अपना छूटन डूब गया है। अब भाई इन मैंने अपना बैंगन डाल दी। अटे मैं आपने याद दिला दूँ कि आपने मेरी रेसिपी कड़ी लाग रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइए। आपने अच्छी लागती हुआ तो आप लाइक कर जो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सको पर आप कमेंट करना जरूर मैंने बताया करो जिन्होंने मैंने ध्यान पड़ती रहे कि आपने हमारे सभी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। इन तरह सब बैंगन ने मिक्स कर लिया इन मैंने बैंगन यूँ तो अपना 70-80% पका लिया हाँ। अब अगर थोड़ी देर अपा बैंगन और पका लिया जी तो आप बैंगन अपना बहुत ही अच्छा पकना तैयार हो जाए। मैं आँच ने अपना धीरे कर ले और धीरे आँच रहे मैंने अपना ढक्कन लगाना है चार पाँच मिनट तक पका ले जिन्हों पर बैंगन अच्छी तरह पकना तैयार हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। अब बैंगन ने पकाता ना अपना लगभग पाँच मिनट हो गया है पर ढक्कन खोलना देख ला तो पाँच मिनट मान देखो बैंगन अपना अच्छा सॉफ्ट हो गया। देखो सब बैंगन दबरिया बहुत ही सॉफ्ट हो गया है क्योंकि अपन 70-80% बैंगन पकियोड़ ही जाए तेल भी अपन सब बैंगन मानो छूट गया। देखो ये मसालेदार बैंगन बहुत ही अच्छा बनना तैयार हो जाकर इन्हें मसाला भरने भी जरूरत नहीं अपन मसाला मायने तक पहुँचाओ। देखो आपने मैं दिखो देखो बैंगन देखो कितना सॉफ्ट हो गया है आराम में टूट रहा है। देखो बैंगन मायने तक इन्हें मसाला गया पूरा है इन तरह बैंगन पकिया रहे पचे अपने आधा छोटा चम्मच वही तो गर्म मसाला डाल दूँगा और अपना लास्ट में डालना जिन्हें गर्म मसाले की खुशबू इन मान बहुत अच्छी रहा करे अपन सब ने अच्छी तरह मिक्स कर ले। अपना मसालेदार बैंगन एक बनना तैयार हो गया है बहुत ईजी तरीके को बनना तैयार हो गया बहुत अच्छा मसाला इन मान देखो इन मायने मैं धाना पीसे ने मैंने डाल दिया है इस वास्ते मैं धाना नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो इन टाइम मैं धाना भी और डाल सको तो आप देखिए सा अपना कोई इन मान स्पेशल मसाला ऐड नहीं करिए हाँ जो मसाला घर रमाइन अपना आसानी मिल जाए वही मसाला डालने सब्जी बनाने तैयार कर लिया। बिल्कुल जड़ी ढाबे रमाइन है या रेस्टोरेंट रमाइन सब्जी बनाए है उन्हें बच्चे बढ़िया सब्जी बनने तैयार हुई है। आपने घर रमाइन चाहे खास मौका नहीं वो यूज अपने घर रमाइन सब्जी बनाने तैयार करनी वे
तो अभी आ सब्जी 15-20 मिनट रामायण भरने तैयार हो जावे। तो आप भी अपने घर रामायण सब्जी बनाने रोटी पूड़ी पराठा किन्हीं भी साथ जरूर सर्व कर जो। बेर मिला से अड़ी दूजा वीडियो रामायण है। जब तक राम राम सा।